अमित शाह के स्वागत के लिए यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी आई हुई हैं केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने। यहाँ पे अमित शाह आ रहे हैं, यहाँ पे शंख बजा के लोग संघ के उद्घोष के साथ उनके स्वागत के लिए महिलाएं तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं जबरदस्त अद्भुत नजारा है, क्योंकि बनारस जो है धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है, तो यहाँ पे लोगों के स्वागत करने का जो तरीका होता है वो तरीका भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ अद्भुत होना चाहिए। तो ये महिलाएं हैं शंख बजा के अमित शाह का स्वागत करने के लिए यहाँ पे तैयार। तो आप बताइए जी, बताइए 400 का पार इससे भी ज्यादा हो सकता है। हम लोग तो अपने मन से बोल रहे कि 400 पार होगा, लेकिन लग रहा है अंदर से इस बार 500 भी पार हो सकता है। क्या बाकी लोग क्या करेंगे, चना बेचेंगे? नहीं, चना नहीं बेचेंगे, लग रहा है अंदर से, मुझे लग रहा है कि हम लोग को 100 हो रहा है कि जिस बार हम लोग का मोदी सरकार है, क्योंकि उनका काम ओम सब मोदी। मैं सुब्रता भट्टाचार्य हूँ और मैं एक लॉयर हूँ, और मैं अपना संसार, अपने बच्चे, अपने पति को छोड़ के घर घर जाके कोशिश कर रहे हैं महिलाएं जितनी ज्यादा हो सके बस मोदी जी को वोट करें। पति पति को छोड़ के जा रहे, पति गुस्सा नहीं? छोड़ के नहीं, गुस्सा नहीं कर रहे, वो आगे बढ़ा के दे रहे, जाइए मोदी जी को जिताइए जितनी जल्दी हो सके। घर घर जाके हम एक एक महिलाओं को समझा रहे हैं। यानी यहाँ के आदमी लोग अपनी पत्नियों को निकाल देंगे, जाइए मोदी का प्रचार कीजिए, आपको भी आपके पति ने अलाउ कर दिया है? जी, पहले तो मेरा नाम रीना पात्रो है, और हमको भी मेरे पति और मेरे बच्चे भी कि आप जाइए, क्योंकि मोदी जैसा यहाँ पे प्रधानमंत्री आज तक बैठा ही नहीं है, और मोदी जी की तुलना में बहुत लोग कम है, और यहाँ से हम लोग रेगुलर प्रचार कर रहे हैं उनका। सुबह से हम लोग का उत्साह देखिए, आज उनके सम्मान के लिए हम लोग यहाँ उत्साहित। मोदी जी को बनारस में प्रचार की जरूरत है? नहीं नहीं, यहाँ से तो वो पूरा लीड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये आनंद एक जैसे कोई त्योहार की तरह हम लोग मना रहे हैं। क्या बोले बोले जरूरत है प्रचार की? नहीं नहीं नहीं, मोदी जी को प्रचार की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी और आगे बढ़े, जैसे कि मोदी जी के लिए, मतलब मोदी जी के लिए जैसे घर कमल के बाहर नहीं पड़े बनारस में, ज्यादातर बनारस में एक भी वोट कमल के बाहर नहीं पड़े, कमल का बटन, मतलब जैसे ना आगे आए मोदी जी, आगे आए हम लोग। अपना पति, मेरे पति भी मोदी जी के भक्त है, सारा 11-12 बजे तक खाली मोदी जी को मेरे पति लोग देखते हैं। बाकी दिन भर काम क्या करते हैं जब आप लोग भक्ति करते है? नहीं तो बाकी दिन में काम क्या करते हैं, मतलब काम भी करते हैं, मोदी जी का प्रचार भी करते हैं, और क्या। देश के सनातन के लिए हम लोग चिंता कर रहे हैं हम लोग की, मोदी जी ही हमारे सांसद यहाँ से बने, और कुछ उनके बारे में कुछ कहीं भी कुछ नहीं करना है। आपके पति देव क्या कहते? मेरे पति देव यही कहते हैं कि तुम मोदी जी को जिताओ, जितना हो सके आगे बढ़ाओ, 400 से ऊपर सीट बनाओ। तो बड़ा जबरदस्त माहौल है, यहाँ के पतियों ने अपनी पत्नियों को अलाउ कर दिया घर में नहीं रहना है, जब तक चुनाव है जाओ मोदी जी का प्रचार करो। तो आप लोग के भी पतिदेव ने कहा है क्या? नहीं नहीं, हमारे पतिदेव ने कुछ नहीं कहा, जाइए मोदी जी का साथ दीजिए, अब की बार 400 पार। तो जबरदस्त, बनारस के पतियों के लिए एक सल्यूट तो बनता ही है कि खुद प्रचार कर रहे हैं, पत्नियों को भी निकाल दिए हैं। निश्चित रूप से जहां पति और पत्नी मिलकर प्रचार करेंगे तो जलवा तो रहेगा ही। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी।